लोकतंत्र के महापर्व की चौथे चरण की शुरुआत हो गई है और मतदान के लिए अब लोग भारी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच कानपुर के हरजिंदर नगर पोलिंग बूथ पर उत्तर प्रदेश सरकार में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे थे। सतीश महाना ने वोट डाला है और उंगली पर लगी हुई स्याही को भी दिखाया है। सतीश महाना ने इसी बीच मीडिया से भी बात की है और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पुरानी सरकारों पर भी जो उनके काम थे उस पर भी सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी है उसके कामों को गिनाया है और मीडिया के सामने रखा है कि जिस भारत की कल्पना देश के नागरिक और मतदाता कर रहे हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। इससे पहले जो प्रयास किए जा रहे थे अन्य सरकारों में वो कहीं ना कहीं अधूरे दिखाई दे रहे थे। अब सुनिए कि क्या बोले हैं सतीश महाना। देश की आज़ादी के बाद जिस प्रकार की अपेक्षा थी देश के शहीदों की, हमारा भारतवर्ष कैसा हो, वो आज़ादी के बाद से लेकर कहीं ना कहीं उसमें कमी आई थी, उन सपनों में कमी आई थी जो शहीदों ने देखी थी, जो राष्ट्रभक्तों ने देखी, जो राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देखी। हमारा देश प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़े। एक कालखंड के अंतर्गत भारत विश्वगुरु के स्थान के ऊपर स्थापित था, लेकिन दुनिया में हमारी गिरती हुई साख, देश में रहता हुआ गरीब और गरीब होता चला गया। उसको सुविधाएँ नहीं मिली, न सड़क मिली, न बिजली मिली, न राशन मिला, न स्वास्थ्य मिला। किसी भी प्रकार की कोई चिंता इस देश के नागरिकों के लिए नहीं। सौभाग्य से 2014 में एक ऐसा व्यक्ति इस देश की राजनीति में आया जिससे इस देश की जनता को उम्मीद बनी और वो उम्मीद आज विश्वास में बदली है 2024 में। आज देश दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। विश्वगुरु के स्थान के ऊपर हम आगे बढ़ने का एक कदम बढ़ा रहे हैं। आज देश में रहने वाला गरीब जिसको राशन भी नहीं मिलता था, अगर वो कोटेदार की मर्जी होती थी उसको राशन दे या ना दे, आज को मुफ्त राशन मिल रहा। मैंने देखा है कि गरीब व्यक्ति को अगर बीमार है तो उसको अस्पताल में ले जाने वाला कोई नहीं है, उसके पास अस्पताल के लिए पैसा नहीं होता था। आज हर गरीब के पास स्वास्थ्य कार्ड है। मैंने देखा है कि 64 वर्ष की आज़ादी के बाद 64-65 वर्ष तब कह रहा हूँ जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की कमाल संभाली, इस देश में गरीब माँ बहन बेटी के लिए शौच के लिए भी एक स्थान नहीं था। मैंने देखा है कि झोपड़ी में रह रहे वो व्यक्ति आज उनका पक्का मकान है। मैंने देखा है कि नेटवर्क के नाते से, विकास के नाते से प्रगति के ऊपर हमारा देश। आज मैंने देखा है कि अगर नेशनल हाईवेज की बात करें, एक्सप्रेसवेज की बात करें, हमारा देश दुनिया में अग्रणीय स्थान के ऊपर आता है। आज मैंने इस बात को देखा है कि इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो हम सबसे आगे हैं। मैंने देखा है कि हमारे देश के लोग बाहर जाकर कोई विदेशी चीज़ ले आते थे बहुत खुश होते थे, हम इम्पोर्ट किया करते थे। आज मैंने देखा कि हमारे देश की बनी हुई वस्तुएँ दुनिया भर में हमारे देश से एक्सपोर्ट होती हैं, वो लोग इम्पोर्ट करते हैं। आज मैंने इस बात को देखा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाते से लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ। आज मैंने देखा है कि बिना भेदभाव के सारे की सारी सरकारी योजनाएं दी जाती हैं। अगर कोई योजना दी गई है, चाहे वो राशन की हो, चाहे वो मकान की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो गैस सिलेंडर की हो, तो बिना भेदभाव, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे छोटा हो, चाहे गरीब हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सबको दी जा रही है। ये सारे के सारे मुद्दों के ऊपर आज लोग देख रहे हैं और उसी विश्वास के साथ फिर एक बार मोदी सरकार के नाते से लोग घरों से निकलें और ये 10 वर्षों के अंतर्गत काम जो हुआ उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए ये चुनाव। यूपी में कितनी सीटें ला रहे हैं? यूपी में 80 में से 80 सीटें और देश में 400 पार। चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है और सुबह से ही मतदान प्रक्रिया को लेकर जो नागरिक हैं, जो मतदाता हैं, वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही जो जनप्रतिनिधि भी हैं वो भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और इसके साथ ही अपने मत का प्रयोग भी कर रहे हैं। वहीं कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना अपना वोट डालने गए थे, उंगली पर लगी हुई स्याही को भी उन्होंने दिखाया। इसके साथ ही पुरानी सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया है और कहा है कि नए भारत की तैयारी हो रही है, बहुत जल्द भारत विकसित देश में तब्दील हो जाएगा।